Hello class, how are you all? I hope you all are doing good. So I am Anshul Singh welcoming you all once again to your GK class. So students, we have already done some of the chapters of our GK book, and today we are going to discuss some more chapters and some more topics. Okay, so I hope you are studying hard and you are just doing your work and you are understanding whatever I am trying to tell you. Okay, so let's start the today's session. Okay, so our today's new topic is logos and symbols, that is page number 40. So everybody kindly open your books at page number 40, that is logos and symbols. So I'll just write down the name of the chapter, that is logos and symbols, 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 logos and symbols, page number 40. Yes, what is the meaning of logos and symbols? आपने सुना होगा कि जैसे अभी मैंने, आई एम जस्ट वेयरिंग द हेडफोन्स, दिस इज द लोगो ऑफ दिस कंपनी. इट इज वेरी सम फॉरेन कंपनी, आई डोंट अंडरस्टैंड बट हाउ टू प्रोनंसिएट इट. ओके, सो दिस इज द लोगो, द हेडफोन आई एम वेयरिंग राइट नाउ, दिस इज द लोगो ऑफ द कंपनी. ओके, एंड एनीथिंग एल्स आई एम हैविंग हियर. ओके, दिस इज नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ लोगो. ओके, एनीथिंग. ओके, दिस इज मार्कर एंड दिस इज हैविंग अ लोगो, दैट इज कैमलिन. इट बिलोंग्स टू द कैमलिन कंपनी. दिस इज द लोगो, कैमलिन के ऊपर एक कैमल बना हुआ है. ओके, सो इसके आपने देखा होगा गम्स भी आती हैं, फेविकोल भी आते हैं, स्टेशनरी का सामान मोस्टली इस कैमलिन कंपनी का. सो दीज आर द लोगोज एंड द सिम्बल्स, लोगोज एंड द सिम्बल्स ऑफ द डिफरेंट कंपनीज. तो किसी भी कंपनी का जो लोगो होता है, मतलब जिसके वजह से वो पहचानी जाती है, जैसे कि आपने सबसे जो कॉमनली यूज लोगो, ओके, दिस इज द लोगो ऑफ अ कार, वेरी वेरी, मतलब दिस इज वेरी इम्पोर्टेड कार या बहुत ही यूनिक सी कार है. दिस इज द लोगो ऑफ विच कार कंपनी, दिस इज द लोगो ऑफ अ फोर सर्कल्स, दिस इज द लोगो ऑफ अ ऑडिका, दिस इज द लोगो ऑफ अ ऑडिका. ऑडिकार का सर ये है ना, सेम एज इट इज, आई एम जस्ट ट्राइंग टू बेटर बट आई डोंट नो आई वेदर आई एम डूइंग इट राइट और नॉट. सो ऐसे ही एक और कार है हमारी जिसका लोगो ये है, समथिंग लाइक दिस, मर्सिडीज बेंज, दिस इज द लोगो ऑफ द कार. ओके, ऐसे ही जो हर चीज होती है, आई एम नॉट ओनली अबाउट द कार्स, एवरीथिंग, किसी भी चीज का बोलते, एवरी प्रोडक्ट हैव इट्स ओन लोगो एंड सिंबल, जिससे कि वो पहचाना जाता है. जैसे कि एप्पल का, एप्पल जो आईफोन्स हैं, आपके पीछे देखा ना, उसमें पीछे एप्पल, आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक इट, लेट्स ट्राई टू मेक इट. ओके, द एप्पल इज लाइक दिस. ओके, बीच में से ऐसे खाया हुआ, समथिंग लाइक दिस, ऐसे ही है ना, कुछ नहीं, उसने कुछ ऊपर से ऐसे बना हुआ, कुछ नियर अबाउट है, मतलब एग्जैक्टली तो नहीं बना बट ऐसे ही कुछ बना हुआ है. ओके, सो दिस इज द लोगो ऑफ द और सिंबल ऑफ द एप्पल इनकॉर्पोरेशन, दिस इज द सिंबल ऑफ द एप्पल इनकॉर्पोरेशन. ओके, वैसे ही बेटा हर कंपनी का अपना खुद का लोगो और सिंबल होता है जिससे वो पहचानी जाती है. ओके, जैसे हम न्यूज चैनल सुनते हैं, उस पर एबीपी न्यूज, उसका भी अलग अपना सिंगर, आज तक उसका, मतलब हर चीज का, कोई भी न्यूज चैनल देख लो, कोई भी कुछ भी कहीं से उठा के देख लो, एवरी प्रोडक्ट हैज इट्स ओन लोगो. ओके, आई एम जस्ट लुकिंग फॉर द बुक. ओके, सो हर कंपनी का खुद का लोगो होता है जिससे वो पहचानी जाती है. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द लोगोज एंड द सिंबल्स ऑफ द कंपनीज, सम कंपनीज जिनके पहले लोगो कुछ और थे, नाउ दे हैव चेंज द लोगो, उन्होंने अपना जो लोगो है जो कुछ नया, देखिए लोगो है उनका, मतलब जो सिंबल जो अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया था, तो टाइम टू टाइम दे हैव चेंज, मतलब उनको लगा शायद उसको थोड़ा चेंज करना चाहिए, सो दे हैव जस्ट चेंज इट. ओके, सो इसके पीछे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि दैट यू कांट चेंज योर लोगो. जैसे एप्पल का वो आधा जो सेब है, दिस इज द लोगो, सो कल को उनकी मर्जी वो पूरा सेब बना ले, दिस इज अप टू देम. ओके, सो दिस लोगोज दे रिप्रेजेंट द नेम ऑफ द कंपनी, दे आर रिप्रेजेंट द सिंबल्स ऑफ द कंपनी, बट कुछ कंपनीज हैं जो कि अपना लोगो, जिनका पहले टाइम में कुछ और लोगो था, नाउ दे हैव जस्ट चेंज देयर लोगोज. ओके, सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू मैच द कंपनीज, द नेम ऑफ द कंपनीज और द प्रोडक्ट दैट इज वी आर डिस्कसिंग, गोइंग टू डिस्कस हियर टूडे विद देयर ओल्ड, मतलब ओल्ड लोगोज एंड द न्यू लोगो. उनके दो लोगो हैं, ओल्ड एंड न्यू,
बोथ लोगोज आर गिवन एंड आपको बताना है वो किस कंपनी का है, ये किस प्रोडक्ट के लिए है. क्लियर? नाउ यू हैव टू टेल द ओल्ड एंड द न्यू लोगो फॉर अ प्रोडक्ट. किस प्रोडक्ट का ये पुराना और नया लोगो है, दैट यू हैव टू मैच. ओके, सो द फर्स्ट वन इज, द फर्स्ट लोगो इज दिस इंटरनेशनल बिजनेस मशीन. इंटरनेशनल बिजनेस, सॉरी आई फॉरगॉट, द फर्स्ट वन इज वन, दिस आई जस्ट रीड द प्रोडक्ट, दैट इज द वीडियो गेम कंपनी. यस, जो यहाँ पे जो दो लोगोज दिए हुए हैं उसमें एक वीडियो गेम कंपनी का लोगो है. वीडियो गेम कंपनी का लोगो, जैसे अभी यू कैन सी इन द पिक्चर, दिस इज नाइनटेंडो. ओके, सो वीडियो गेम कंपनी द नेम, सॉरी, दिस इज द नेम ऑफ अ वीडियो गेम कंपनी, नाइनटेंडो. ओके, सो इसका देखिए, ये दिस इज आई थिंक चाइनीज और कोरियन कंपनीज, बिकॉज आई डोंट अंडरस्टैंड द चाइनीज एंड द कोरियन नेम्स. ओके, सो जिस कंपनी का पहले लोगो क्या था, दिस वॉज इट्स फर्स्ट, द फर्स्टली इट वॉज इट्स फर्स्ट लोगो, देन इट चेंज इट टू दिस, फिर उसका लोगो ये बन, सॉरी द फर्स्टली इट्स लोगो वॉज दिस, सम चाइनीज वर्ड इज एंग्रेव्ड और द कोरियन वर्ड इज एंग्रेव्ड, आई डोंट नो एग्जैक्टली बिकॉज आई कांट अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज. सो दिस इज द लोगो ऑफ गेम कंपनी, अ वीडियो गेम कंप्यूटर. सो इट्स लोगो अर्लियर इट वॉज लाइक अ चाइनीज वर्ड्स. ओके, एंड देन नाउ इट्स लोगो हैज चेंज टू नाइनटेंडो. नाइनटेंडो, सो द आंसर ऑफ योर फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट यू आर गोइंग टू मैच द फर्स्ट वन. जो फर्स्ट आपका है, यू आर गोइंग टू मैच इट विथ योर फर्स्ट लोगोज, ये सिंपल है, उसमें आप इसे मैच करेंगे बी से, एंड विद द करंट लोगो और सिंबल इट यू विल मैच इट विथ थ्री. सो आप एक वर्ड को दो चीजों से मैच करेंगे, देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर गोइंग टू मैच दिस विद दिस चाइनीज वर्ड एंड देन इट लेटर ऑन विद दिस नाइनटेंडो. क्लियर? सो द आंसर ऑफ योर फर्स्ट इज बी एंड थर्ड. बी इज द चाइनीज नेम एंड द थर्ड इज द नाइनटेंडो. दिस इज द नेम ऑफ अ गेम, वीडियो गेम कंप्यूटर. क्लियर? नेक्स्ट, अ वेब ब्राउजर. यस, जो न्यू वाला है वो तो आपको सबको सबको समझ में आता होगा बिकॉज यू आर ऑलरेडी यूजिंग इट. ओके, अ वेब ब्राउजर. यस, इसमें से जो हमारा करंट लोगो, जो अगर आप इसको करंट लोगो को पहचानते बेटा, यू कैन पिक फ्रॉम हियर व्हाट इज द करंट, इसमें से कौन सा है जो वेब ब्राउजर का लोगो, दिस इज इट, दिस इज द लोगो ऑफ अ फायरफॉक्स. दिस इज द लोगो ऑफ अ फायरफॉक्स, जो हमारा वेब ब्राउजर है. ओके, सो व्हाट वाज द अर्लियर लोगो ऑफ फायरफॉक्स, जो फायरफॉक्स है हमारा, इसके पहले लोगो क्या था. एज यू कैन सी इन द पिक्चर सी, दैट इज स्वैन इज हियर, रेड स्वैन इज देयर, दिस इज द स्वैन, रेड स्वैन. ओके, सो दिस वॉज द अर्लियर लोगो ऑफ दिस मोजिला फायरफॉक्स. ओके, सो राइट डाउन सेकेंड, सेकेंड का आंसर है देन from here it is C. You will match it with C, and the correct logo you will match it with 4. Alphabets are the older logos, old logos or the previous logos, and these numeric numbers are the current logos. Clear? So web browser, the Mozilla Firefox, its current logo is just like a ball with a red circle around it, and earlier it was a red swan, the big red color ka hans hai, it was like this. Its name was Mozilla Firefox. Okay, next, a consumer electronics company. Okay, a consumer electronics company. Yes, अभी जो आपने इसमें देखा, अभी मैंने आपको डिस्कस भी किया, एक इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट बनाती है. व्हाट इज द नेम, इलेक्ट्रॉनिक्स मीन जिसमें फोन्स भी है, आईपैड्स, आईफोन, लैपटॉप्स, ऑल दीज आर द कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स. इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स से बहुत कुछ आता है, बट जिस जो कंपनी हमें यहाँ पे दी हुई है. ओके ओके, एज यू कैन सी इन दिस, विच इज द इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, मतलब कौन सी इलेक्ट्रॉनिक, इसमें से कौन सा लोगो है जो किसी एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बनाती है, दैट इज एप्पल. एज यू कैन सी दिस इज द एप्पल, एंड इट्स प्रीवियस लोगो वॉज दिस एप्पल इन एप्पल कंप्यूटर्स. एप्पल कंप्यूटर्स इज रिटन. ओके, सो द फर्स्ट लोगो ऑफ एप्पल कंप्यूटर्स वॉज दिस अ ब्लैक, इज इट गिवन इन योर बुक एट द इन अ ब्लैक लोगो, एंड नाउ इट इज बिकम दिस एप्पल, हाफ एप्पल. Okay, so the answer of your third matching is E,
that is Apple Incorporation का लिखा हुआ था, the first one, that is the logo of the first. Clear? आपको इसके olden logo, old logo, the previous logo and current logo दोनों से match करना है. Clear? Fourth, a computer software and hardware company. Yes, ये तो सबको पता होगा, आपने computers भी देखे होंगे उसके. इसमें से कौन सी जो कंपनी है जो कंप्यूटर्स के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों बनाती है, दैट इज, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट कंपनी, द नेम ऑफ दिस कंपनी इज आईबीएम. जो आईबीएम है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स, दिस इज द नेम ऑफ द कंपनी. सो इसका जो है ये जो कंप्यूटर्स के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बनाती है. ओके, सो द इट्स प्रीवियस लोगो वॉज दिस इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, बट नाउ इट हैज चेंज टू आईबीएम. Okay, so the answer of your fourth one is, its previous logo was A and its current logo is B. Oh, sorry, fifth one, that is IBM. IBM. Clear? Last one, and in airlines company, yes. Airlines company ka logo, yes. Air India is a logo is given in the current logo, here it is given. उसको पुराने लोगो क्या था, दिस इज चाचा चौधरी वॉज इट्स ओल्ड इट्स प्रीवियस लोगो. ओके, सो द आंसर ऑफ योर फिफ्थ मैचिंग इज एयरलाइन कंपनीज, दैट इज फर्स्ट वन इट वॉज चाचा चौधरी, दैट इज डी, एंड नाउ इट हैज बिकम दिस, दैट इज सेकेंड वन. ओके, दैट इज सेकेंड वन. क्लियर? सो दीज आर द आंसर्स ऑफ योर पेज नंबर 40 ऑफ GK. Okay, these are the in this we have discussed about the old, the previous symbols of the companies and the current symbols of the companies. So I hope you understood that what were the old logos, your old symbols of the some companies, and what are their current logos or symbols. Okay, so this was a page number 40. Moving next to page number 44. So everybody kindly open your books at page number 44. Okay, I'll just show you. This is not a big one. Okay, I'll just show you. This is a better Dodge the Disaster. This is a kind of a game. What we call that snake and ladder kind of a game. So you just play at your home with your friends and with your family. Okay, there's nothing so to discuss about this chapter. This is kind of a snake and ladder game. So you can just play with your family at your home, at your place. Okay. So now we will just move to the next page of our syllabus, that is page number 23. So everybody kindly open your books at page number 23, that is brain teasers. Brain teasers. The page number is 2323. I'll just write on the name 2323. Brain teasers. The name of the chapter is brain teasers. What is the meaning of brain teasers? Yes, brain teaser means, what is the meaning of brain teasers? Brain teaser means ऐसी चीजें जो थोड़ी सी, it's a game, मतलब game के साथ साथ इसमें आपका दिमाग बहुत लगाने की जरूरत पड़ेगी. This is a kind of game. Game के साथ साथ ये एक kind of brain के लिए कहते हैं quick quiz होता है, not quick quiz, जो quiz होता है उसमें brain लगता है ना, जो games होती हैं. So, ये ब्रेन को थोड़ा सा कह लो कि इट जस्ट एक्सरसाइज ऑफ योर ब्रेन. सो दीज ब्रेन टीजर्स क्वेश्चंस आर द फॉर द एक्सरसाइज ऑफ योर ब्रेन, सो दैट इट कैन वर्क प्रॉपरली. ओके, फॉर माइंड ऑल्सो. ओके, सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट वन. राइट डाउन द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस टू मेक द एब्रीवेशन ऑफ अ स्पेस साइंस एजेंसी ऑफ इंटरनेशनल रेप्यूट. Also write the full form of this agency. Nature's anger silences all. Okay. So they have given, देखिए उन्होंने लिखा nature anger silences all. ये जो nature का N, anger A, silences S, all. So what is this? This is NASA. What is it? What do we call it? We call it NASA. So उन्होंने ऊपर question में क्या बोला बेटा, जो ये वर्ड है नेचर एंगर साइलेंसेस ऑल, इसके जो फर्स्ट वर्ड्स हैं इनको लेके जो एक स्पेस स्टेशन है उसका नाम बताइए. ओके,
और उसकी फुल फॉर्म भी बतानी है. तो यस, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस नासा. देखिए हमने वर्ड नेचर एंगल्स साइलेंसेज ऑल का फर्स्ट फर्स्ट इनिशियल्स लिए, दैट इज NASA, दैट इज नासा, एंड दिस इज द नेम ऑफ अ स्पेस स्टेशन. ओके, सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस नासा. दिस इज नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन. दिस इज अ वेरी बिग, वेरी ह्यूज एंड द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्पेस स्टेशन. ओके, सो द नेम ऑफ दिस इज नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस, सॉरी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन. ओके, सो आई विल जस्ट राइट ऑन द फुल नेम ऑफ दिस. द आंसर देखिए उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ब्रेन टीजर कैसे हुआ, उन्होंने एक वर्ड दिया, फोर वर्ड्स दिए, उनके बोला कि उनके फर्स्ट इनिशियल्स लीजिए, दैट इज NASA, एंड यू हैव विद द हेल्प ऑफ दिस NASA, दैट इज नासा, यू हैव टू राइट द नेम ऑफ अ स्पेस स्टेशन. सो दैट इज नासा इज नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन. सो आई विल जस्ट राइट ऑन द फर्स्ट वन, नेशनल एरोनॉटिक्स, NASA, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस SPACE, स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, HADMINISTRATION, एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज नासा. यू कैन राइट द शॉर्ट फॉर्म ऑल्सो, दैट इज नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज नासा. क्लियर? मूविंग नेक्स्ट टू द सेकेंड वन, अनस्क्रैम्बल द वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस टू मेक इट अ मीनिंगफुल. ओके, देखिए कुछ नीचे वर्ड्स दिए सेकेंड लाइन में, सेकेंड क्वेश्चन के, ये देयर द हाईलाइटेड वन, बोल्ड लेटर्स आर देयर. ओके, श्रीनिवासा रामानुज वॉज ए ऑन रिवेंट इंडियन, सम जंबल वर्ड्स आर देयर, एंड नाउ वी हैव टू मेक अनस्क्रैम्बल वर्ड्स आर गिवेन, एंड नाउ वी हैव टू राइट इट इन द प्रॉपर फॉर्म. सो वी हैव हियर, वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्सन हुज नेम इज श्रीनिवासा रामानुज. सो हु वॉज ही? ही वॉज अ मैथमेटिशियन, ही वॉज अ मैथमेटिशियन. सो ही वॉज, ही हैज वेरियस रिसर्चेस ऑन द मैथमेटिक्स, सो ही इज नोन एज द मैथमेटिशियन. सो ही वॉज अ रियोन्ड मैथमेटिशियन. सो इफ वी अनस्क्रैम्बल दीज वर्ड्स, दीज आर गिवन इन द बोल्ड लेटर्स, अगर हम इसको अनस्क्रैम्बल करेंगे तो क्या बनेंगे, ये रियोन्ड मैथमेटिशियन. सो राइट ऑन द स्पेलिंग, REONOWNED, रियोन मैथमेटिशियन, MATHEMATICIAN, मैथमेटिशियन. ओके, आई जस्ट राइट ऑन द स्पेलिंग ऑफ मैथमेटिशियन वंस अगेन, सो दैट इट इज क्लियरली विजिबल टू यू ऑल. ओके, आई जस्ट राइट इट हियर सो दैट यू कैन सी इट, MATHE, मैथे मै, MA मै, TICIAN, मैथमेटिशियन, रिनोन मैथमेटिशियन. सो हिज नेम इज रिनोन, सॉरी ही वॉज अ मैथमेटिशियन एंड हिज नेम वॉज श्रीनिवासन रामानुज एंड ही वॉज अ रिनोन मैथमेटिशियन. क्लियर? सो इन दिस वी हैव टू अनस्क्रैम्बल द वर्ड, जो स्क्रैम्बल वर्ड दिए थे हमने उसको अनस्क्रैम्बल किया, एंड वी हैव देन वी हैव रिटन द परफेक्ट वर्ड, दैट इज रिनोन मैथमेटिशियन. क्लियर? ओके, मूविंग नेक्स्ट टू द थर्ड वन. ओके, इसको समझाने के लिए मुझे थोड़ा सा आपको इस पे बोर्ड पे समझाना होगा. ओके, सबसे पहले वी जस्ट रीड द फुल क्वेश्चन एंड आफ्टर देन वी विल रीड स्टेप बाय स्टेप एंड सॉल्व आवर आंसर्स. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट टेल यू, ओके, देयर वॉज अ फाइव बॉयज नेम्ड ABCDE. तो यहां पे फाइव बॉयज है हुज नेम इज ABCDE. द नेम ऑफ फाइव बॉयज आर ABCDE. ओके, वर ईटिंग फाइव बनानास. ओके, और इन सबके पास फाइव बनानास थे, तो मतलब सबके पास एक एक बनानास थे. डी फिनिशेज हिज बनाना बिफोर ए. जो डी है उसने ए से पहले अपना बनाना खा लिया, बट आफ्टर सी, बट सी के बाद में खाया. सो दैट मीन्स सी ने डी से पहले ही बनाना खा लिया. ओके, सो जो डी है उसने ए से पहले और बट सी के बाद में बनाना खाया, मतलब अपना खत्म किया. ई फिनिशेज हिज बनाना बिफोर बी. और जो ई है उसने अपना बनाना बी से पहले खा लिया बट ए के बाद खाया. ओके,
सुनने में थोड़ा वो लग रहा होगा, बट आई एक्सप्लेन इट ऑन द बोर्ड प्रॉपरली. राइट डाउन द ऑर्डर इन विच दे फिनिश देयर बनानास. तो हमें एक ऑर्डर बताना है कि उन्होंने किस सीरीज में, मतलब पहले किसने खाया, फिर किसने खाया, फिर किसने खाया, फिर किसने खाया, फिर किसने खाया, कि पांचों ने किस सीरीज में जो अपना बनाना है जो फिनिश किया है. ओके, सो देखिए, आई जस्ट टेल यू प्रॉपरली, सो जस्ट लिसन एंड लुक एट द बोर्ड. देर आर फाइव बॉयज, ए बी सी डी एंड ई. दीज आर द फाइव बॉयज एंड दे हैव ईटन देयर बनानास. सो ऑल दीज फाइव बॉयज हैव ईटन बनानास. इसमें देखिए, पांचों ने बनाना खाया और उन्होंने क्या बताया है वो हमें बताना है कि किसने किस सीरीज में अपना बनाना है जो फिनिश किया है. ओके, सो आई जस्ट राइट ऑन द वर्ड्स, ए वन टू थ्री फोर एंड फाइव. ओके, हमें ये बताना है किस सीरीज में किसने बनाना खाया. द फर्स्ट वन इज, नाउ वी विल रीड इट स्टेप बाय स्टेप. डी फिनिशेस हिज बनाना बिफोर ए. जो डी है उसने अपना जो बनाना है वो ए से पहले खा लिया. तो मतलब डी है जो पहले आएगा और ए उसके बाद में आएगा. डी ने अपना बनाना ए से पहले खा लिया, बट आफ्टर सी. जो डी ने अपना बनाना का ए से पहले खाया लेकिन सी के बाद खाया है. डी हैज रिटन हिज बनाना बिफोर ए बट आफ्टर सी. सी के बाद में लेकिन ए से पहले. क्लियर? सो डी हैज रिटन हिज बनाना बिफोर ए एंड आफ्टर सी. सी मतलब इसे पहले खा चुका था. सेकेंड लाइन में क्या दिया हुआ है? ई फिनिशेज हिज बनाना बिफोर बी. जो ई है उसने बी से पहले अपना जो बनाना है फिनिश कर लिया, बट आफ्टर ए. लेकिन ए के बाद में. ई ने बी से पहले बनाना फिनिश कर लिया लेकिन ए के बाद में किया. सो दिस इज द करेक्ट सीरीज. ओके, सो देखिए, डी ने अपना बनाना सी ए से पहले बट सी के बाद में किया, और ई ने अपना बनाना बी से पहले बट ए के बाद में फिनिश किया. सो इनकी सीरीज क्या हुई? दिस इज द सीरीज, दैट इज सी डी ए ई एंड बी. सो दैट मींस सी हैज रिटन फर्स्ट, देन डी हैज रिटन एट सेकंड प्लेस, थर्ड ए हैज रिटन एट थर्ड प्लेस, एंड ई हैज रिटन एट फोर्थ प्लेस, एंड द बी हैज रिटन इन दैट लास्ट. तो इस सीरीज में सी डी ए ई बी, इन दिस सीरीज दे हैव इटन देयर बनानास. दे हैव इटन देयर बनानास. क्लियर? सो दिस इज द आंसर ऑफ योर थर्ड क्वेश्चन. ओके, दिस इज द सीरीज हाउ दे हैव इटन देयर बनानास. ओके, आई होप नाउ यू अंडरस्टूड. मजा आ रहा है. दिस आर द वेरी एनर्जेटिक एंड गेम काइंड ऑफ क्वेश्चंस. ओके, मूविंग नेक्स्ट टू द फोर्थ वन. अमन टेल्स नताशा. अमन ने नताशा को क्या बताया? योर ब्रदर, तुम्हारा भाई, इज द सन ऑफ माई फादर सिस्टर. तुम्हारा भाई मेरे पापा की बहन का बेटा है. हाउ इज नताशा रिलेटेड टू अमन? जो नताशा है वो अमन से, सॉरी अमन फादर, जो नताशा है वो अमन के पापा से रिलेटेड कैसे है? ओके, सो अमन इज अ बॉय एंड नताशा इज अ गर्ल. आई जस्ट एक्सप्लेन यू दिस ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम. ओके, इसमें देखिए एक चीज, छोटी सी चीज आपको समझाऊं. इसमें मैं देखिए दो चीजें डिनोट करूंगी. एक चीज तो ऐसे डिनोट करूंगी इन द स्टैंडिंग लाइन. सो दैट मींस अगर ये ए है तो ये बी है. मतलब ये उसका सन या डॉटर होगा, सन होगा या डॉटर होगा, और ये उसकी मम्मी या पापा होंगे. मतलब जो ऊपर होंगे या उसके मम्मी पापा होंगे या इनका बेटा बेटी होगा. सो जो सीधी लाइन ऊपर को होगी, दैट इज द साइन ऑफ अ जनरेशन गैप. इन दोनों के बीच में एक जनरेशन का गैप है, दैट इज ज्यादा तो उसकी मम्मी है या तो उसके पापा है. ओके, सेकेंड एक लाइन में ऐसे ड्रॉ करूंगी, डबल लाइन लाइक दिस. सो दैट मींस या दोनों, वो दोनों भाई बहन है या सेम एज के हैं. वो दोनों या भाई बहन है या सेम एज के हैं. क्लियर? सो स्ट्रेट लाइन मींस जनरेशन गैप. मम्मी पापा है या बड़े भैया दीदी, मतलब कोई भी बड़ा हो, दीदी भैया नहीं, वो उनसे बड़े हैं. मतलब या तो उसकी बुआ, मतलब कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं. ओके, मतलब उनके बीच में जनरेशन का गैप है. एंड दिस इज नोटेड विद द हेल्प ऑफ दिस डिनोट्स दैट दोनों में भाई बहन का रिलेशन है या दोनों एक ही एज के हैं, एक ही जनरेशन के. स्ट्रेट मीन्स जनरेशन गैप, दिस मीन्स सेम जनरेशन. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन. ओके, सो देखिए नताशा ने अमन को क्या बताया, सॉरी अमन ने नताशा को क्या बताया. दिस इज अमन, नितेश, नताशा. ओके, सो अमन इज टेलिंग नताशा, योर ब्रदर, मतलब अमन जो है नताशा को क्या बोल रहा है कि तुम्हारा भाई, मतलब वो दोनों सेम हैं,
जो उसका ब्रदर है, बी आर ओ, आई मीन ब्रो, कहते हैं ना ब्रो, दैट इज ब्रदर. ओके, सो जो नताशा का ब्रदर है, योर ब्रदर इज द सन ऑफ माई, वो किसका बेटा है, इज द सन ऑफ माई फादर सिस्टर, अमन के जो फादर हैं उनकी जो सिस्टर है, उनकी जो सिस्टर है उनका बेटा है. सो अमन इज टेलिंग नताशा दैट, अमन नताशा को क्या बोल रहा है कि तुम्हारा भाई मेरे पापा की बहन का बेटा है. मींस दैट ये जनरेशन गैप है और ये है सेम, सो दैट मीन्स ये तीनों भाई बहन है, कजन हो चाहे जो मर्जी, और ये दोनों भाई बहन है, ठीक है. बट इन दोनों में जनरेशन गैप है. देखिए ये उसकी पापा की सिस्टर है, आपके पापा की सिस्टर आपकी क्या लगेंगी, बुआ, शी विल बी अ बुआ ना. सो अमन के जो पापा हैं, अमन फादर्स सिस्टर, जो अमन के फादर के सिस्टर है, मतलब जो अमन की बुआ है, वो नताशा का भाई है. तो मतलब नताशा और अमन कजन ब्रदर सिस्टर्स हैं, मतलब नताशा का भाई उसका भाई हुआ तो नताशा भी तो उसकी बहन हुई ना. सो दैट मीन्स दे आर द रिलेटेड टू देयर कजन्स. ओके, अब हमें बताना क्या है, नताशा, हाउ इज नताशा रिलेटेड टू अमन. नताशा जो है अमन की, सॉरी अमन फादर, जो नताशा है वह अमन के फादर की क्या लगी. सो आपकी जो पापा हैं वो आपके जो बुआ के बच्चे को क्या बोलते हैं, जो आपके बुआ के बच्चे हैं वो आपके पापा को क्या बोलते हैं, दे कॉल देम मामा, मामा बोलते हैं ना. सो दैट मीन्स वो उनकी नीस है, उनकी भांजी है, मेटर्नल अंकल. सो वो उनके मामा है, मामा को हम ये लिखेंगे मामा है, बिकॉज मेटर्नल अंकल जो मम्मी से रिलेटेड होते हैं, जो मामा होते हैं या मौसा जी होते हैं, वी कॉल देम मेटर्नल अंकल. ओके, सो द नताशा इज द, सो द अमन के फादर है वो उसके क्या लगते हैं, मेटर्नल अंकल, मतलब उसके मामा जी लगते हैं. सो वी कॉल इट नीस मेटर्नल अंकल. जो नताशा है उसके पापा की नीस है, भांजी है. द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर फोर इज नीस एंड आई भांजी मेटर्नल अंकल. ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज दैट नेवर गेट हर्ट्स व्हेन इट फॉल्स. ऐसी कौन सी चीज है जो गिरती है बट कभी भी उसको दर्द नहीं होता. यस, व्हाट इज इट, जो गिरती है बट उसे कभी दर्द नहीं होता, व्हाट इज इट, दिस इज रेन. जो पानी है, बारिश है, वो होती है, गिरती है, बट मतलब बारिश में जो पानी है कभी कभी उसको चोट लगी देखी है, नो. सो दैट इज व्हाट, दैट नेवर गेट हर्ट्स व्हेन इट फॉल्स, दैट इज रेन, बारिश. Sixth, what has a neck but not head? ऐसी कौन सी चीज है जिसका गला है पर उसका सिर नहीं है. This is not a भूत. Okay, so the thing which is having a neck that and doesn't having any head, that is your bottle. जो bottle है, फ्रिज की bottle है, कोई भी bottle ले लीजिए, उसका गला होता है, कभी उसका सिर देखा है फ्रिज सॉरी बॉटल का. ओके, दैट हैविंग अ कैप. ओके, सो दैट इज हैविंग अ हेड बट नॉट, सो दैट इज हैविंग अ नेक बट नॉट हेड, दैट इज अ बॉटल. A bottle. Seventh, what had a head and tail but no legs? ऐसी कौन सी चीज है जिसका हेड भी है, टेल भी है, पर उसके पैर नहीं है. यस, जिसको हम ऐसे करते हैं, what is that? This is the coin. Coin में हेड भी होता है, टेल भी होता है, क्या उसके पैर होते हैं? No. So that is coin. C O I N, coin, जिसको हम सिक्का बोलते हैं. This is coin. Clear? Next, make the word torn from the word cone by changing one letter at a time. On changing the letters, the word should still make sense. Okay, जो torn word है उसको हम एक cone word में बनाना है. Okay, but हमें एक एक वर्ड चेंज करना है उसका, बट जस्ट मेक थिंक, जस्ट थिंक कि उसमें जो उसका मीनिंग है वो भी होना चाहिए. ओके, एक एक वर्ड चेंज करते हो हमें, जो जो कोन है उससे हमें टॉर्न बनाना है. सो नाउ वी हैव टू मेक, सॉरी क्वेश्चन नंबर एट, हमें जो कोन वर्ड है सी ओ एन ई, इसको चेंज करते हुए एक एक वर्ड को हमें इसको ऐसे वर्ड में बनाना है ताकि वो
कौन से क्या बन जाए, टॉर्न बन जाए, कौन से टॉर्न वर्ड में इसको चेंज करें, लेकिन इसका हमें एक एक वर्ड चेंज करते हुए उसे टॉर्न बनाना है. ओके, सो इसमें हम क्या चेंज करेंगे, देखिए तो हमें एक टॉर्न बनाना है. सबसे पहले हम टी को छोड़ेंगे, ओ एन ई टोन, टी चेंज हुआ, हमने क्या चेंज किया टी, देन फिर टी सेम ओ, अब यहां पे हम क्या वर्ड लगाए इसको हम सेम रखते हैं, टॉर्न बनाना है, टी ओ आर में चेंज, यहां पे हम आर लिख देंगे तो क्या बन जाएगा टोर, फाड़ने वाला टोर. ओके नेक्स्ट टी ओ आर लास्ट इज एन, दैट इज एन, नाउ द कोन हैज बिकम द स्टोन. ओके सो दिस इज हाउ वी हैव कन्वर्टेड द वर्ड कोन इनटू टॉर्न बाय चेंजिंग द वन वर्ड एट सॉरी वन अल्फाबेट एट ईच स्टेप. क्लियर? सो दिस वॉज अवर पेज नंबर 23. आई होप यू एंजॉयड इट. दिस इज काइंड ऑफ अ गेम फॉर यू एंड दिस वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग वन, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग ब्रेन टीजर. ओके सो विद दिस आई एम फिनिशिंग अवर टूडेज सेशन एंड आई होप यू आर एंजॉइंग इट एंड यू आर डूइंग वर्क, यू आर वर्किंग हार्ड विद योर स्टडीज. सो नाउ आई एम एंडिंग अ टूडेज सेशन क्लास, सो आई विल सी यू अगेन वेरी सून. So till then everybody have a good day.